हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 24 मार्च को झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक PDF जारी किया गया था, द गैजेट ऑफ इंडिया करके। फ्रेंड्स, ये PDF आपको झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस गैजेट में ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का रूल के बारे में बताया गया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसे समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इंग्लिश में लिखा गया है उसे मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट से 4 पॉइंट तक आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसमें मेन पॉइंट 5 नंबर में है उसे मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि इस टेबल में बताया गया है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहता है, ये सभी को पता है। फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि सीट अलॉट होने पर अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगा, अर्थात रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था वो मनी रिफंड हो जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का रूल। अब देख लेते हैं कि राउंड 2 का रूल क्या है। तो फ्रेंड्स, राउंड 2 में फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, अर्थात यदि आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी फीस है उसे फॉरफिट कर लिया जाएगा, लेकिन अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यदि राउंड 2 में सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। हालांकि अभी लगभग ऑल इंडिया मोपअप राउंड भी इंड हो गया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अगले साल काउंसलिंग करवाएंगे तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं स्टेट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी पार्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं बताया गया है, तो चलिए देख लेते हैं कि स्टेट काउंसलिंग का रूल्स क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टेट राउंड 1 एंड राउंड 2 का भी सेम रूल है जैसा कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 एंड राउंड 2 में था। फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं, हालांकि झारखंड में किसी तरह का सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं करवाया जाता है, इसलिए यहां पे सिक्योरिटी फीस फॉरफिट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको मोपअप राउंड में सीट अलॉट होता है तो आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद स्टेट का काउंसलिंग इंड हो जाता है। फ्रेंड्स, सेम रूल है टीम्ड यूनिवर्सिटी मोपअप राउंड के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का रूल्स, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहेगा।